नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरओ भर्ती 2020 के विज्ञापन के संबंध में, ये कब तक यहाँ पर आने की उम्मीद है और कितनी यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली हैं। और दोस्तों यहाँ पर साथ में हम जानेंगे कि यहाँ पर एक न्यूज आर्टिकल यहाँ पर प्रकाशित किया गया जिसमें बताया गया कि जल्द भरी जाएंगी केंद्रीय सेवाओं में 6.83 लाख खाली पद। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर आज हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर कुछ न्यूज आर्टिकल जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर न्यूज आर्टिकल है आरओ की भर्ती को लेकर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर दिया गया है कि आरओ रिजल्ट की बात आएगा नया विज्ञापन। जी हाँ, आरओ जो 2017 का एग्जाम उसके फाइनल रिजल्ट के बाद यहाँ पर नए विज्ञापन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए पूरा न्यूज आर्टिकल क्या है, हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दो साल बाद आरओ के पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन मिल गया है, यानी कि यहाँ पर इनको अध्याचन मिल चुका है। हालांकि आयोग आरओ 2017 के अंतिम चयन परिणाम के बाद ही नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा, ताकि 2017 में अगर पद खाली रह जाते हैं तो उन्हें नई भर्ती में शामिल किया जा सके। ठीक है, आयोग को अभी तक आरओ से 30 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन मिला है, जो काफ़ी कम है। जबकि वर्ष 2017 के बाद से आयोग ने आरओ के पदों पर भर्ती के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं कराई है। आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा निरस्त हो चुकी है, 3 मई को इसकी फिर से परीक्षा प्रस्तावित है। वहीं आरओ 2017 की मुख्य परीक्षा के साथ टाइप टेस्ट भी आयोजित कराया जा चुका है और इस परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम का इंतजार है। इसके तहत आरओ के 809 पदों पर भर्ती होनी है। पिछली कई परीक्षाओं के बाद आरओ के कुछ पद खाली रह जाने के मामले सामने आए हैं। इसी वजह से आयोग ने मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे कि अगर वे अपना अभ्यर्थी निरस्त कराना चाहते हैं तो प्रार्थना पत्र दें। कुल 156 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आयोग ने इन अभ्यर्थियों को अपनी बात रखने के लिए 29 जनवरी तक का समय दिया है। इसके बाद अभ्यर्थी निरस्त करने की कार्यवाही होगी। आयोग की मंशा यह है कि आरओ का कोई भी पद खाली न रहे, हालांकि इसके बावजूद कुछ पद खाली रह जाने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में आयोग आरओ 2017 के अंतिम चयन परिणाम के बाद ही कोई निर्णय लेगा। अगर परिणाम आने के बाद खाली पद रह जाते हैं तो इन्हें नई भर्ती में जोड़ा जा सकेगा। ऐसे में नई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ जाएगी और इसके बाद ही आरओ 2020 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर पूरी डिटेल है जो कि न्यूज आर्टिकल में यहाँ पर बताया गया है कि आरओ के जो 2017 का अंतिम परिणाम आने के बाद ही आपके आरओ 2020 की नोटिफिकेशन आएगी। और दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, ये फरवरी में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि फरवरी में आपके फर्स्ट वीक में यहाँ पर आरओ 2017 के रिजल्ट के आने के चांसेज हैं और उसी के साथ ही यहाँ पर नई नोटिफिकेशन आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों जो लोग यहाँ पर आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर कंटिन्यू रखें और पदों की संख्या पर यहाँ पर न जाएं, क्योंकि पदों की संख्या नोटिफिकेशन के टाइम कम रहती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती रहती है और जब तक हमारे सिलेक्शन होते हैं तब तक काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि पिछली बार जो पद आए हुए थे उसमें थोड़ा कम थी और उसके बाद यहाँ पर 800 के आसपास पद हो गए थे 2017 में, तो इसी तरह से इसमें भी पद बढ़ते रहते हैं। तो इसकी बिल्कुल आप फिक्र ना करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा न्यूज आर्टिकल यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है जल्द भरे जाएंगे केंद्रीय सेवाओं में 6.83 लाख खाली पद। देखते हैं यहाँ पर एक क्या न्यूज आर्टिकल है, तो इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। देश में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों में खाली पड़े करीब 6.83 लाख पदों पर जल्द ही भर्तियाँ चालू होने के आसार बन गए हैं। केंद्र ने सभी विभागों को अपने तहत खाली पड़े मौजूदा पदों का एक समयबद्ध तरीके से बने का आदेश जारी किया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी निवेश व वृद्धि की 23 दिसंबर 2019 को आयोजित बैठक के बाद जारी किया गया है। इस बैठक में पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में मौजूद रिक्तियों को भरने के लिए समयबद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। कार्मिक मंत्रालय ने खाली 6.83 लाख पदों को भरने के लिए दिए गए आदेश में सभी विभागों को हर महीने इसकी रिपोर्ट भी जमा करने के लिए कहा है। सभी विभागों को अपनी पहली रिपोर्ट 5 फरवरी तक कार्मिक मंत्रालय को सौंपनी होगी। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर कुछ न्यूज आर्टिकल्स और वैकेंसी संबंधित। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।